अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हम लेक्चर सेकंड पे हैं। हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो दैट्स इंटरनेशनल बिजनेस। हमने कल कहा इंटरनेशनल बिजनेस एक ऐसी बिजनेस होती है जहां पे आप बाइंग एंड सेलिंग बियॉन्ड द कंट्रीज, बियॉन्ड द बाउंड्रीज ऑफ ए कंट्री करते हो, इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट्स करते हो या एंट्री इंपोर्ट करते हो। ये सब चीज़ें जो है इंटरनेशनल बिजनेस में आते हैं। हमने ये भी कहा इंटरनेशनल बिजनेस में हम ना सिर्फ गुड्स की मूवमेंट करते हैं बल्कि इसके अलावा हम सर्विसेज की भी मूवमेंट करते हैं, हम टेक्नोलॉजी का भी एक्सचेंज करते हैं, पर्सनल स्किल का भी एक्सचेंज करते हैं, इसके अलावा पेटेंट राइट्स का भी हम एक्सचेंज करते हैं। सो नाउ लेट्स कम टुडे इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। इस इंटरनेशनल बिजनेस की क्या अहमियत है, इसे क्या क्या होता है इग्निशन के लिए। सबसे पहली बात, अर्निंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। हमें दूसरी कंट्री की करेंसी आ जाती है। सपोज अगर इंडिया अमेरिका से ट्रेड कर रहा है तो हमें वहां के डॉलर्स मिल सकते हैं। अच्छा, इससे क्या होगा? इससे ये होगा कल अगर इंडिया को अमेरिका से कल कोई चीज इंपोर्ट करनी है, हम वही डॉलर्स दे सकते हैं और हमें हमारे एक्सचेकर पे कंट्री का जो खजाना होता है, कंट्री के जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स होते हैं, उस पर नौबत नहीं आ जाएगी। कल हम आसानी से वहां से कोई चीज इंपोर्ट कर सकते हैं, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, फार्मास्यूटिकल्स हो या कोई और मशीनरी वगैरह हो, कल हम आसानी से उस कंट्री से वो चीज इंपोर्ट कर सकते हैं। और इसके साथ साथ एक डॉलर की कीमत है तकरीबन 70 रुपया, तो जब आपको डॉलर ही आपको मिलेगा तो आपको कल 70 रुपये नहीं देना पड़ेगा। एक डॉलर के मुकाबले में आपको 70 रुपये नहीं देना पड़ेगा। जब आपके पास ऑलरेडी डॉलर्स अवेलेबल है तो आप कल डॉलर में ही आप कल पेमेंट कर सकते हो। इस तरह से आपकी जो कंट्री में जो मनी सप्लाई है वो बरकरार रह सकती है। लेकिन जब आप इंपोर्ट करते हो फिर अपनी करेंसी उनको देते हो, जहां पे आपकी करेंसी का वैल्यू बहुत कम होगा, वहां पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स कंट्री को फेस करने पड़ते हैं। इसलिए जब आप ट्रेड करते हो दूसरे कंट्री के साथ, खासकर एक्सपोर्ट्स की बात करेंगे, जब एक्सपोर्ट से आपको फॉरेन करेंसी आ जाती है, उसी फॉरेन करेंसी से आप कल इंपोर्ट भी कर सकते हो, वही आप करेंसी उनको दे सकते हो। तो नंबर वन। नंबर सेकंड, मोर एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्स। एक इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल जो इंटरनेशनल बिजनेस में कहा जाता है, जो एक्सपर्ट्स कहते हैं, वो कहते हैं जिस चीज में आपकी कंट्री माहिर है फोकस ऑन दैट प्रोडक्ट। आप उधर इधर की चीजों में मत अपने आप को डालिए, आप वही चीज प्रोड्यूस करो जिस प्रोडक्ट में आप महारत रखते हो, जो प्रोडक्ट आपका एफिशिएंट है, जो प्रोडक्ट आपके जो जिसमें प्रोडक्शन कॉस्ट कम लगते हैं। यहां पे मैंने लिखा प्रोड्यूस व्हाट योर कंट्री कैन प्रोड्यूस मोर एफिशिएंटली। आप वही चीज बनाओ जिस चीज में आपकी कंट्री एफिशिएंट है। एंड फिर उसके बाद क्या करो, ट्रेड सरप्लस प्रोडक्शन सो जनरेटेड विद अदर कंट्रीज या अदर्स। फिर वही जो चीज जिस चीज में आप माहिर हो, जिस चीज में आप एफिशिएंट हो, काबिल हो, जो चीज आपकी कंट्री में सस्ता बनता है, जो चीज आपकी कंट्री में हाई क्वालिटी प्रोडक्ट है, वही चीज पे फोकस करें, वही चीज की प्रोडक्शन आप करें। और वही चीजें फिर आप जब आपकी कंट्री की नीड सेटिस्फाई हो जाएगी, फिर जाके आप जो आपके पास सरप्लस स्टॉक होगा उसको आप दूसरी कंट्री के साथ एक्सपोर्ट करो। ये इंटरनेशनल बिजनेस का मेन प्रिंसिपल है, जिस बेस पे इंटरनेशनल बिजनेस एफिशिएंट इंटरनेशनल बिजनेस हो सकता है या बन सकता है किसी भी कंट्री के लिए। तो इससे क्या होता है, आप जब आप एरे गेरे चीजों में अपने आप को डालते हो तो आप बहुत सारी चीजें तो प्रोडक्शन करते हो लेकिन आप किसी में एफिशिएंट नहीं बनते हो, आपकी रिसोर्सेज वेस्ट हो जाते हैं। कल आपका प्रोडक्ट इंटरनेशनल मार्केट में नहीं बिक पा रहा है क्योंकि आपका प्रोडक्ट अच्छा नहीं होता है। इसलिए यह कहा गया वही प्रोडक्ट बनाओ जिसकी में आप माहिर हो, जिसमें जो आपका प्रोडक्ट यूनिक अगर है आप उसी में आप अपने आप को डालिए, आप उसी पर फोकस करिए, आप दाएं बाएं मत जाइए। इससे क्या बचेगा, इससे आपकी रिसोर्स बच जाएंगे, आप ये कंट्री की रिसोर्स वेस्टेज होने से बच सकेंगे। इसलिए वही प्रोडक्ट आप बनाओ जिसमें आप माहिर हो। थर्ड वन, इंक्रीजर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। जब हमने दूसरे कंट्री से ट्रेड करना शुरू किया, जब हमने देखा वहां के लोगों का कल्चर क्या है, वहां के लोगों का रहन सहन क्या है, वहां के लोग किस तरह खाना पकाते हैं, कौन कौन से टूल्स वो इस्तेमाल करते हैं, कैसा सामान वो इस्तेमाल करते हैं, तब जाके हमने कॉपी करके हमने अपनी कंट्री में लेके आए। लेकिन अगर हम अपनी ही कंट्री में ट्रेड करते रहे, हमें बाहर के दुनिया के बारे में पता नहीं चल सकता।
बाहर के लोग कैसे अपनी लाइफ गुजारते हैं, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है, हम उस चीज से बेखबर रह सकते अगर हमारे पास इंटरनेशनल बिजनेस ना होता। तो इंटरनेशनल बिजनेस ने ना सिर्फ हमें मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज सिखाया, बल्कि इसके साथ साथ इंटरनेशनल बिजनेस ने हमें यह भी सिखाया कि हम कैसे अपनी जिंदगी को बेहतर और बेहतर बना सकते हैं, अच्छी क्वालिटी लाइफ हम कैसे गुजार सकते हैं, हम कैसे अपने घरों में अच्छी से अच्छी सहूलियतें ला सकते हैं, कंफर्ट्स ला सकते हैं, लग्जरीज ला सकते हैं। ये तभी पॉसिबल हुआ जब हमने इंटरनेशनल बिजनेस किया, जब हमने देखा वहां का लोगों का कल्चर देखा, जब हमने वहां के लोगों का रहन सहन का तरीका देखा, जब हमने देखा कि वहां के लोग क्या चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं, हमने तब जाके सीखा कि नहीं, ये चीजें हमारे कंट्री में भी होना चाहिए। ये तभी मुमकिन हुआ जब आपने इंटरनेशनल बिजनेस किया, जब आपने बाहर के लोगों का दौरा किया, जब आपने उनके साथ ट्रेड किया। तो इस तरह से इंटरनेशनल बिजनेस से क्या किया, आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव हो गया। मान लीजिए कोई जो बंदा है जो अमेरिका में अपना छोटा सा कोई बिजनेस कर रहा था, जब उसने देखा कि वहां के लोग जो है ना वो एसी इस्तेमाल कर रहे हैं, जो सर्दी में गर्मी देते हैं और गर्मी में सर्दी देते हैं, तब जाके आपने एसी का बिजनेस यहां से भी स्टार्ट किया। तो एक तो लोगों को भी सहूलियत आ गई, इनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी इंप्रूव हो गया और इसके साथ साथ आपने भी पैसे कमाए। सो इंटरनेशनल बिजनेस की बहुत सारी अफादियत है। इसके अलावा इंक्रीज्ड कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, जो बिजनेसमैन की कैपेसिटी होती है ना वो भी उससे इंक्रीज हो जाती है। अभी आप जब आप विद इन द कंट्री ट्रेड कर रहे थे, आपका जो कंपटीशन था वो महदूद था, लेकिन जब आप आउटसाइड कंट्री गए, आपने वहां पे देखा बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स देखे, आपने देखा कि वो कैसे बिजनेस चला रहे हैं, उनके पास कौन सी टेक्नोलॉजी है, उनके पास कौन सा स्किल, एम्प्लॉयज के पास कौन सा स्किल है, आपने वही चीजें अपने अपने कंट्री में अडॉप्ट किए, अपनी बिजनेस में वही चीजें आपने अडॉप्ट किए, वही लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अडॉप्ट की, वही मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन आपने अडॉप्ट किए अपने बिजनेस में, वही ह्यूमन रिसोर्स स्किल आपने इस्तेमाल किया, इससे आपकी कैपेसिटी बढ़ गई, आपकी काबिलियत बढ़ गई, अकल आप इंटरनेशनल बिजनेसमैन के साथ कंपीट कर सकते हो। लेकिन ये तभी मुमकिन हुआ जब आपने इंटरनेशनल बिजनेस किया, जब आपने देखा बाहर के लोगों की बिजनेसमैन जो है वो किस किस्म की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं, वो किस किस्म के लेबरर्स इस्तेमाल कर रहे हैं, वो कौन से मेथड ऑफ प्रोडक्शन अपना रहे हैं, वो कौन सी एडवर्टीजमेंट का तरीका अपना रहे हैं, वो कैसी मार्केटिंग करते हैं। ये सभी चीजें तभी मुमकिन हुआ एक बिजनेसमैन के लिए जब उसने इंटरनेशनल बिजनेस किया, तब जाके उसको इन सब चीजों के बारे में पता चल गया, तब जाके उसकी कैपेसिटी बढ़ गई। जब इसकी कैपेसिटी बढ़ गई, इसकी ग्रोथ भी होगी, इसने ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट्स भी अर्न करे और इसके साथ साथ इंटरनेशनल बिजनेस में बहुत सारे लोग जो है रोजगार भी मिलता है। इस तरह से एक कंट्री में जो बोझ होता है गवर्नमेंट पे, सरकारी नौकरी का जो बोझ होता है वो भी बहुत हद तक हल्का हो जाता है। इसके अलावा ये जीडीपी में भी कंट्रीब्यूट करता है इंटरनेशनल बिजनेस से, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है, जिससे एक कंट्री प्रॉस्पेरिटी की और डेवलपमेंट की ओर ज़्यादा से ज़्यादा आ रही है, और इस तरह से लोग ज़्यादा अमीर तर बनते जा रहे हैं और गरीबी बहुत हद तक कम होती जाती है। ये सभी चीज़ें तभी मुमकिन है जब आपने इंटरनेशनल बिजनेस किया। इसके अलावा प्रॉस्पेक्ट्स ऑफ हायर प्रॉफिट्स, मैंने अभी कहा जब आपकी बिजनेस के पास, जब आपने अपनी कंट्री में भी चीजें बेचे, दूसरे कंट्री में भी चीजें बेचे, तो ऑब्वियसली आपने ग्रोथ अचीव की है, आपके पास ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट्स आते हैं। जब ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट्स आएंगे तब जाके आप लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के बारे में सोच सकते हो, तब जाके आप नए नए प्रोडक्ट्स के बारे में सोच सकते हो। तो ये तभी मुमकिन है जब आपने प्रॉफिट्स कमाए, लेकिन प्रॉफिट्स कमाना तभी मुमकिन है जब आपने इंटरनेशनल बिजनेस किया, जब आपने एक्सपोर्ट किया, जब आपने इंपोर्ट किया, ये सब चीजें तभी मुमकिन हुआ। इसके अलावा ये तो हमने देखा कि इंटरनेशनल बिजनेस में क्या क्या इंपॉर्टेंस है, लेकिन इंटरनेशनल बिजनेस करना कोई मामूली बात नहीं है। आप दूसरी कंट्री में जा रहे हो, यहाँ पे हमें दूसरे एरिया में जाने नहीं देते हैं, वहाँ पे हमें मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, हम वहाँ पे प्रोडक्ट कैसे बेच पाए। तो बात है कि जब आप दूसरी कंट्री में जाओगे, वहाँ का कल्चर समझना, वहाँ के गवर्नमेंट पॉलिसीज के मुताबिक चलना, ये बहुत ही हैक्टिक होता है। तो क्या क्या कॉम्प्लेक्सिटीज, क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं इंटरनेशनल बिजनेस करने वालों को, एक्सपोर्टर्स को या इंपोर्टर्स को क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं, चलिए देखते हैं। नंबर वन, रेस्ट्रिक्शंस। जब आप दूसरी कंट्री में ट्रेड करने के लिए जाते हो, आपको टैक्सेस देने पड़ते हैं, आपको टैरिफ्स लगाए जाते हैं, आपको वहाँ की पॉलिसीज, गवर्नमेंट पॉलिसीज का उनको एक्सेप्ट करना पड़ता है, आपको अपने आप को अडाप्ट करना पड़ता है वहाँ उस कंट्री के रेस्ट्रिक्शंस को आपको एक्सेप्ट करना पड़ता है, आपको अकॉर्डिंगली चलना पड़ता है। सो ये सबसे बड़ी रुकावट जो आती है दूसरी कंट्री में ट्रेड करने में, वो यही आती है, रेस्ट्रिक्शंस, जो हैक्टिक प्रोसीजर के जरिए से आपको गुजरना पड़ता है, आपकी वहाँ
वहाँ के जो गवर्नमेंट ने लॉज वगैरह बनाए होते हैं उन गवर्नमेंट लॉज को फॉलो करना पड़ता है, जो वहाँ पे टैक्स रेट्स है वो भी आपको एक्सेप्ट करने पड़ते हैं। अच्छा, जो उन्होंने प्रोसीजर्स वगैरह रखे होते हैं वो भी सारे रूल्स रेगुलेशंस टैक्सेस के हवाले से या वीज़ा के हवाले से या किसी दूसरे रिलेटेड इशूज़ के साथ, वो सारे जो इशूज़ हैं ना, ये बहुत बड़ी हिंड्रेंस आ जाती है इंटरनेशनल ट्रेड करने में या अक्रॉस द बॉर्डर ट्रेड करने में। सेकेंड, दैट इज़ एक्सचेंज ऑफ करेंसी। आपके यहाँ इंडियन रुपीस है लेकिन आप चाहते हो हम अमेरिका से ट्रेड करना चाहते हैं तो वहाँ पे डॉलर्स है, तो बड़ी बहुत बड़ी प्रॉब्लम यही आ गई। आप वहाँ से कोई चीज़ खरीदना चाहते हो, आप उनको रुपीस देते, वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं आपके इंडियन रुपीस, वो कहते हैं हमें डॉलर चाहिए। तो दूसरी जो रुकावट आ जाती है ट्रेड करने में वो आ जाती है एक्सचेंज या करेंसी की, वहाँ की वहाँ उसकी कंट्री की करेंसी में आपको वो प्रॉब्लम आ जाती है कि हम वहाँ वहाँ की करेंसी कैसे एक्वायर करें। तो यहाँ पे भी आपको बहुत सारे हैक्टिक प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है जिसके जरिए से वहाँ की कंट्री की आप करेंसी आप अचीव कर सकते हो, फिर जाके आप ट्रेड कर सकते हो। तो ये भी एक दूसरी रुकावट आ जाती है इंटरनेशनल बिजनेस करने में। थर्ड, दैट इज टाइम। चीज़ें आपको ऑर्डर हुए, मान लीजिए इंग्लैंड से आपको चीज़ें किसी कस्टमर ने ऑर्डर किए, इंडिया का प्रोडक्ट ने ऑर्डर किया, अब आपको चीज़ें वहाँ तक उस इंग्लैंड तक पहुँचाना, उस अल्टीमेट कस्टमर तक पहुँचाना है, लेकिन इन बिटवीन जो चीज़ें आपने इंडिया में बनाए और उसी प्रोडक्ट को इंग्लैंड तक पहुँचाने में आपको बहुत सारा टाइम लगता है। आपको सी रूट्स के भी जरिए से जाना पड़ता है, आपको चीज़ें आपको ट्रांसपोर्टेशन के जरिए से आपको बहुत सारे प्रोसीजर अपनाना पड़ता है जिसके बाद अल्टीमेटली कस्टमर तक चीज़ें पहुंच जाती है। तो इंटरनेशनल बिजनेस जब हम बात करेंगे ना, ये बहुत ही हैक्टिक होता है और इसमें बहुत सारे फॉर्मेलिटीज़ होते हैं इस वजह से, और इसके बाद इसके अलावा इसमें रेस्ट्रिक्शंस भी होते हैं और इस वजह से ये बहुत ही कम्प्लेक्स हो जाता है ड्यू टू टाइम की वजह से, बीच में टाइम गैप हो जाती है, एक प्रोडक्ट एक कंट्री का प्रोडक्ट दूसरी कंट्री में ले जाना, इसमें बहुत सारा टाइम बीच में लगता है जिससे क्या होता है, एक इंटरनेशनल बिजनेसमैन जो होता है वो डिस्करेज हो जाता है, और इन द मीन टाइम जो जिस कस्टमर ने ऑर्डर किया होता है जब उसको टाइम पे प्रोडक्ट नहीं पहुंचता है वो भी कैंसिल करता है, वो फिर ऑर्डर ही कैंसिल करता है। इस वजह से और प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं इंटरनेशनल बिजनेसमैन को। इसके अलावा जियोग्राफिकल प्रॉब्लम्स, एक कंट्री को दूसरी कंट्री से अच्छा रिलेशनशिप नहीं है। सपोज कोई बंदा जो अभी तक पाकिस्तान के साथ इंटरनेशनल बिजनेस कर रहा था, अब उसको इस टाइम नहीं कर पा रहा है क्योंकि इनको आपस में रिलेशन अच्छी नहीं है, जियोग्राफिकल हिंड्रेंसेस है इनको आपस में, अच्छा कहीं कहीं पे रूट अच्छा नहीं है या कहीं पे आपको वीज़ा की फैसिलिटी नहीं दी जा रही है। सो ये रिलेशंस या जियोग्राफिकल बाउंड्रीज जो है ना, ये भी रुकावटें आ जाती है इंटरनेशनल बिजनेस करने में। एंड फिफ्थ वन, दैट इज क्रेडिट वर्दीनेस। क्रेडिट वर्दीनेस का मतलब यह है कि जिस बंदे को आप चीजें बेच रहे हो वो दूसरी कंट्री में बैठा हुआ है, आपको पता नहीं होता है कि वो जो बंदा है क्या मुझे वो टाइम पे कल पेमेंट कर पाएगा कि नहीं। आप चीजें तो दे रहे हो, आप ऑर्डर तो एक्सेप्ट किया, आपने चीजें उसको दे दिए, लेकिन कल आप उसे पैसे पकड़ने हैं, आपको इस बारे में पता नहीं होता है क्या वो बंदा टाइम पे पेमेंट करेगा कि नहीं, इस बारे में आपको कोई गारंटी नहीं होती है। अच्छा, अब आपने देखा कि ये बंदा पैसा देने वाला होता है, फिर बाद में कुछ ऐसा होता है, फिर उसे पैसे वसूल करने में भी बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। सो ये कुछ रुकावटें हैं, कुछ ऐसे रुकावटें हैं जो इंटरनेशनल बिजनेस करने में आ जाती, लेकिन जहाँ पे चाह होती है वहाँ पे राह होती है। इन सब डिफिकल्टीज के बावजूद इंटरनेशनल बिजनेस जो है ना वो डोमेस्टिक ट्रेड से भी बड़ा माना जाता है। यहां से जब आप दूसरे कंट्री से ट्रेड करते हो ना, वहां पे आपके वहां की करेंसी आ जाती है, आपका विजन बढ़ जाता है, बाहर के कंट्री के बारे में आपको पता चलता है। इसलिए इंटरनेशनल बिजनेस जो है इन सब डिफिकल्टीज के बावजूद भी बहुत ही अच्छा माना जाता है किसी भी कंट्री के लिए। होप आपको यह समझ में आ चुका होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।